सब्सक्राइब टू न्यूटेक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल, बेल आइकन पर क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। परंपरागत फसलों के मुकाबले सब्जी वाली फसलें हमेशा से ही ज्यादा मुनाफा देने वाली साबित होती आई हैं। उन्हें वैज्ञानिक और उन्नत तरीकों से उगाया जाए, इसके लिए जरूरी है मेहनत और जोखिम उठाना और सही जानकारियां मिलना, जो आमतौर पर कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के माहिर ही दे पाते हैं। सब्जी उत्पादन या बागवानी करने के लिए एक नई पद्धति ईजाद की गई है, जिसे प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। मिट्टी की सतह को किसी भी प्रकार की सामग्रियों से ढकने की विधि को मल्चिंग कहते हैं। फसलों के अवशेषों एवं अन्य मक्का के डंठल, कुसुम की फूस एवं अन्य स्थानीय उपलब्ध सामग्री जो चारे के लिए बहुत कम अथवा नहीं प्रयुक्त होती हो, उसे मल्चिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल काली पॉलिथीन को भी मिट्टी को ढकने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। मल्चिंग करने से मिट्टी से जल निकासी घट जाती है, नमी संरक्षित रहती है व मिट्टी का तापमान एक समान बना रहता है। फलतः खेतों में खरपतवार कम हो जाते हैं व पोषक तत्व पौधे को मिलने लगते हैं। इसके जरिए कम समय में बेहतर पैदावार का लाभ उठाया जा सकता है। मल्चिंग प्लास्टिक और प्राकृतिक फिल्म दोनों प्रकार का हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा तो वीडिंग का होता है एक्चुअली। अगर आप हम मल्चिंग नहीं करते तो वीड्स काफी आते हैं, तो जब वीड्स आते हैं तो फिर काम थोड़ा धीरे भी पड़ जाता है, प्लांट की ग्रोथ भी कम हो जाती है। देखिए, अगर जितना मॉइस्चर आप मिट्टी में होगा उतना ही प्लांट ग्रोथ भी ज्यादा करेगा, उसमें फ्रूट भी ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली अगर फ्रूट ज्यादा आएगा तो कम मार्जिन भी बढ़ेगा। मल्चिंग का प्रयोग आसान तो है ही, इसके कई फायदे भी हैं, जैसे कि जड़ों का विकास, पानी की बचत और जमीन को कठोर होने से बचाया जा सकता है, जिससे मिट्टी का तापमान नियंत्रित होने के कारण पौधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता है। बीज के जल्दी अंकुरण और उपज बढ़ाने में मल्चिंग तकनीक की अहम भूमिका होती है। सब्जी के खेतों या बागानों में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है खेत को तैयार करने की। इसके लिए खेत में ऊंचे मेड़ बना लें। मेड़ों की ऊंचाई 4 से 6 इंच व चौड़ाई 50 से लेकर 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ड्रिप या टपक सिंचाई पद्धति का प्रयोग होता है, जिसके लिए हम मेड़ों के बीचों बीच ड्रिप लाइन बना लें। इस पद्धति में विशेष रूप से इन लाइन ड्रिपर्स का प्रयोग होता है। इन लाइन ड्रिपर्स में ड्रिप लाइन के अंदर की ओर ड्रिपर्स लगे होते हैं, जिनसे बूंद बूंद कर पानी टपकता है। सामान्यतः दो ड्रिप की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद प्लास्टिक फिल्म का प्रयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक साधारण नहीं बल्कि पराबैंगनी अवरोधक प्लास्टिक होती है, जिस पर सूरज की पराबैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। ये फिल्म लगभग 120 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसके बाद टेप की सहायता से बिछी हुई फिल्म पर निशान बना लें। निशान लगाने के बाद फिल्म में छेद कर लें। ध्यान रहे कि दो पौधों के बीच की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर हो। छिद्र कम से कम 3 इंच का हो या इतना बड़ा अवश्य हो कि पौधा कहीं से भी उसके संपर्क में न आए। शुरुआती दिनों में कम से कम 2 घंटों के लिए ड्रिप सिंचाई करें। इस तकनीक से पानी की बचत तो होगी ही, खरपतवार भी नहीं उगेंगे, जिससे खरपतवार को निकालने के लिए किया गया व्यय बचेगा। इस तकनीक में पौधे समय से पहले बढ़ते और अंकुरित होते हैं, क्योंकि पानी और सूर्य की किरणें सीधे पौधों पर केंद्रित होती हैं और खरपतवार न होने से उन्हें पूरा पोषण मिलता है, तो इस तरह फसलों को सुरक्षा और किसानों को मुनाफा मिलता है।
दोस्तों, उम्मीद है हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।